जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है CRPF और BSF के, ओनली दो ही फोर्स को ले रहा हूँ मैं इस वीडियो में, कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको बता दूँ, सभी ट्रेनिंग सेंटरों के अपने अपने रूल होते हैं। हाँ, कुछ रूल चेंज होते हैं, कुछ सेम होते हैं, डिसिप्लिन को लेकर सारे रूल सेम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का रूल सेम होता है, लेकिन उसमें लीव का प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज होता है। कोई एक महीने 22 वीक में देता है छुट्टी, कोई एक महीने आगे पीछे छुट्टियाँ कर सकता है। जो आपकी मध्य में जो छुट्टी मिलती है 15 दिन की, मध्यांतर जो 15 दिन का आपको लीव मिलता है उसमें, और सभी ट्रेनिंग सेंटरों का थोड़ा थोड़ा सा अपना अपना अलग अलग रूल होता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि CRPF और BSF के ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। जो RTC होती है, जहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है। साथ ही बता दूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपकी मैथ और रीजनिंग पढ़ने की इच्छा है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें मैं आने वाले 1-2 दिनों में, जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, मैथ और रीजनिंग के वीडियो क्लास शुरू करूँगा। तो आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में वो उसके चैनल के साथ में अटैच भी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो में कि CRPF के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ है। पहले तो मैं ये वीडियो पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी पहली जो ज्वाइनिंग होगी वो ट्रेनिंग सेंटर में नहीं होगी, आपकी ज्वाइनिंग ग्रुप सेंटरों में ही होती है। दोस्तों, एक ग्रुप सेंटर के अंदर 10-12 बटालियन आती है, तो आपका सबसे पहला ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग होती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि CRPF के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है। तो CRPF का पहला ट्रेनिंग सेंटर है नीमच, जो मध्य प्रदेश में, आपको पता है वो 1939 में जब CRPF गठित हुई थी तो सबसे पहले नीमच में ही गठित हुई थी। तो नीमच इसका पहला ट्रेनिंग सेंटर भी है और यहाँ पर ट्रेनिंग होती है रिक्रूटमेंट्स की बहुत ही भारी मात्रा में, मतलब काफ़ी बड़ा बैच वहाँ पर चलता है ट्रेनिंग का। तो काफ़ी लोगों को नीमच ट्रेनिंग करने का मौका मिल सकता है, जो कि मध्य प्रदेश में कुछ लोग अच्छे से जानते भी हैं। उसके अलावा आवड़ी, जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है CRPF की, कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग सेंटर है आवड़ी में। जो साउथ वाले हैं इनको पता ही होगा आवड़ी कहाँ है, जिनको नहीं पता उनको जब ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा आवड़ी तो पता चल जाएगा। पेरिंगम केरल में है, यहाँ पे भी CRPF का ट्रेनिंग होता है। आपको बता दूँ कि इन सभी के ट्रेनिंग सेंटर शेड्यूल सभी का एक होता है कि क्या ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, लेकिन हाँ भिन्न भिन्न ऐसे होता है कि इसका एक वीक पीछे एक वीक आगे ये सब चलता रहता है और सभी के नियम कायदे अलग होते हैं। इसके अलावा पेरिंगम का बता दिया मैंने, पेरिंगम है केरल में, CRPF का ट्रेनिंग सेंटर बता रहा हूँ। पहले नीमच, आवड़ी, पेरिंगम केरल में, राजगीर ये बिहार में है CRPF का ट्रेनिंग सेंटर, अमेठी यहाँ पे भी CRPF की काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेनिंग होती है, काफ़ी बड़ा बेस चलता है यहाँ पर। जिन लोगों को पता ही होगा अमेठी के बारे में, और कुछ लोग नहीं भी जानते तो जब आपका ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा लातूर ये महाराष्ट्र में है, ये भी CRPF का बड़ा कैंप, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर CRPF के कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट्स की ट्रेनिंगें होती है दोस्तों। इसके अलावा जोधपुर तो सभी जानते होंगे, राजस्थान में है जोधपुर, तो यहाँ पे भी CRPF के रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग होती है। और हमामा श्रीनगर में है, हमामा चौक आपने कई बार आपने सुना होगा, श्रीनगर या न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा हमामा चौक। हमामा एयरपोर्ट भी है, उसके एयरपोर्ट के जस्ट पास में हमामा है, वहाँ पर CRPF का ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ पर BSF का ट्रेनिंग सेंटर भी वहीं पर है। दोनों अलग अलग पास पास में है CRPF और BSF के ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, जिनका हमामा ट्रेनिंग सेंटर होगा उनको शुरुआत में कश्मीर घूमने का मौका मिल जाएगा, और कश्मीर की वादियों में मतलब घूमने का उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन साथ में वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान संडे को आउट पास नहीं मिलता है। जिनका हमामा ट्रेनिंग सेंटर आएगा, RTC 4 है CRPF की, वहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर 4 हमामा में है, वहाँ पर आपको बाहर जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आप जब छुट्टी आओगे तभी आपको बाहर आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बाकी देखिए, सभी जो सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर, इनमें आपको संडे को आउट पास मिल जाता है। इसके अलावा और कहां पर होती है, ज़रूरी नहीं कि इन 8 सेंटरों में, तो ये तो होते गए RTC, इनके अलावा ATC भी होते हैं, जैसे शिवपुरी, अजमेर GC 2 जहाँ पर लड़कियों की ट्रेनिंग सेंटर होती है, शिवपुरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर लड़कों की ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार और भी ATC है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जब बड़ा बैच SSGD का हमेशा बड़ा ही बैच आता है, तो ऐसी स्थिति में ATCO में भी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ये केवल RTC है,
8 RTC है CRPF में, इनके अलावा ATC भी है, उनमें भी ट्रेनिंग होती है। जैसे अजमेर जैसी टू मैंने बताया कि लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा शिवपुरी मध्य प्रदेश में वहाँ पर भी लड़कों की ट्रेनिंग होती है। जो CIT सेंटर है, तो जो CIT सेंटर है उनमें भी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंगें होती है दोस्तों। अब बात करते हैं BSF के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ हैं हमारे देश में। तो एक तो मैंने बता दिया CRPF के साथ में कि हमम श्रीनगर, यहाँ पर CRPF का ट्रेनिंग सेंटर भी है और BSF का ट्रेनिंग सेंटर भी है दोस्तों। और एक और कॉमन है, वो है जोधपुर। जोधपुर में BSF का ट्रेनिंग सेंटर भी है और CRPF का ट्रेनिंग सेंटर भी जोधपुर में है दोस्तों। इसके अलावा उधमपुर, पंजाब में भी BSF का ट्रेनिंग सेंटर है। बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, वहाँ पर BSF का काफ़ी अच्छा नाम भी है और बाघा बॉर्डर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी भी होगी दोस्तों। कई बार आपने उनके वीडियो देखे होंगे बाघा बॉर्डर के 26 जनवरी 15 अगस्त के टाइम पे। तो पंजाब में भी BSF का ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा सिलीगुड़ी, जो कि बंगाल में, असम, मणिपुर, मेघालय, इनमें भी BSF के ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा और भी ATC ट्रेनिंग सेंटर है, वो टनकपुर में है। और भी कई ऐसे, मतलब ATC जरूर नहीं कि इन्हीं सेंटरों में है, इनके अलावा क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, एक साथ अगर ट्रेनिंग कराते हैं तो ATC जैसे टनकपुर है, और भी इस प्रकार के छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर है जिनमें जैसे कम मात्रा में 200-400 का बेस देके ट्रेनिंग कराई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये BSF के ट्रेनिंग सेंटर और CRPF के ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों। अब मैंने बताया कि अलग अलग क्या होता, अब मैं आपको एक बात बताऊँ। पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया था कि जो ट्रेनिंग टाइम में कईयों को सवाल रहता है कि छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती, आज मैं उसका प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। ये अमेठी, CRPF के अमेठी ट्रेनिंग सेंटर के रूल बुक है, उसमें से ये मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए लाया हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 दिन का आपका मध्यांतर जो लीव होती है वो दी जाएगी। इसके अलावा 7 दिन स्पेशल लीव, मतलब एमरजेंसी लीव या किसी ऐसे कारणवश आपको छुट्टी दी जाती है जो कि बहुत ही एमरजेंसी होता है, तो उसमें आपको 7 दिन की लीव मिलती है। ये तो आपका उसमें रूल बुक में, इसके अलावा आपका कोई भी अधिकार नहीं है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसकी जो रूल गाइड है अमेठी, उसमें से ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि कईयों को ये ऐसा लगता है कि छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती ट्रेनिंग के बीच में, तो 7 दिन स्पेशल छुट्टी मिलने के मतलब मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको मिले, अगर ऐसा कोई कारण होता है, जैसे मैंने बताया कि आप कई लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सर हम एग्ज़ाम देने के लिए हमको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपका अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है पहले 3 महीने के छोड़ के, पहले 3 महीनों में चांस कम रहते हैं मिलने को, पहले 3 महीनों में भी मिल जाती है लेकिन हाँ थोड़ा सा कम रहती है चांस, लेकिन उसके बाद में इसमें भी लिखा हुआ 7 दिन की स्पेशल मतलब एमरजेंसी लीव दी जा सकती है। तो ये तो इनकी रूल गाइड में, तो ये सभी ट्रेनिंग सेंटरों की रूल गाइड में ऐसा है। आपको 15 दिन की जो लीव होती है उसके अलावा 5 से 7 दिन, कहीं 5 दिन का होगा, कहीं 7 दिन का होगा, कहीं 9 दिन का होगा, कि आपको ट्रेनिंग के बीच में स्पेशल लीव मिल सकती है एनी एमरजेंसी केस में दोस्तों। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर शेयर करना और मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर ज़रूर सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।